हजारों साल नरगिस अपने बहनोई पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदार पैदा। डिफरेंट कलर्स ऑफ पिटोनिया, मिक्स कलर, डार्क फ्लावर्स। गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ोक इस जहान को है ज़ेब अख्तिलाफ से। लुक दिस, इनकी अपनी ज़बान होती है, ये जो है ना, देखें यहाँ पे, ओए हाय हाय, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, फील इट। सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको वेलकम कर रहे हैं सारे। ये देख लें, मुख्तलिफ कलर्स डार्क फ्लावर्स के, और पिटोनी और डार्क फ्लावर्स जो हैं वो मिक्स हैं, यहाँ पे मिक्स हैं। देखें कलर, देख लें, हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें, ये पिटोनिया के डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन बाद जो हैं लार्वा जो है पैदा हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसको उन्होंने थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है। तो ये देखें, ये फिर मुख्तलिफ कलर हैं पिटोनिया के, ये देख लें, ये रेड कलर्स हैं, और ये वाइट और रेड हैं, और ये जो है अलहदा कलर, ये देख लें। तो देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें ये लार्वा भी मौजूद होंगे जो इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। ये देख लें, ये आई थिंक सो इसके अंदर जो होंगे। इसके अलावा जी ये देख लें माशाल्लाह, अल्लाह की कारीगरी आप देख लें माशाल्लाह, ये देख लें। इसके अलावा जी यहाँ पे भी डार्क फ्लावर्स डबल शायद होंगे, ये देख लें। और इसके अलावा जी मैं आपको बहुत से जो है यहाँ पे कलर्स दिखाने वाला हूँ, और ये डबल है, और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और अल्ट्रेनियम डबल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जी। ये देखिए, ये है अल्ट्रेनियम जी, ये देख लें डबल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे। और वो देख लें कलर्स, देख लें इनके, यूँ लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे सजाया हुआ है इनको लाके। ओ जी ये देख लें, हाय हाय सुभान अल्लाह, डिजिटल जिसके लिए मैं आपको, एक मिनट, अभी मैं आपको मेरलेस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देखें, ये माशाल्लाह ये मेरलेस हैं, एक नहीं दो नहीं, ये सारे दो देखें यहाँ पे, वो है दी सारे मेरलेस, ये देख लें, हाय सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें, पूरा दिखा रहा हूँ, ये सारे मेरलेस हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं आप, गुलाब डिफरेंट कलर के मौजूद हैं, और एक मिनट जी, स्लो कनेक्शन है और डिसकनेक्ट हुआ था, मैं भी फिर से यहाँ से कैरी करता हूँ। ये देख लें जी, ये देख लें, ये
पोस्ट कॉर्नर। ये देख लो, ये डिफरेंट कलर्स, डबल डॉट फ्लावर्स। ये देख लो, इसके अलावा जी आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर के फूल यहाँ पे मौजूद हैं। और तमाशा, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जी यहाँ पे सारे जो हैं मौजूद हैं। यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, जिरेनियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के जिरेनियम्स और सीजन जिरेनियम भी यहाँ पे मौजूद हैं। अतः सब आपको ईद मुबारक। ये देखें, ये यहाँ पे पिटोनिया के डिफरेंट कलर्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे मिक्स्ड हैं। और ऊपर जो है जिरेनियम डिफरेंट कलर्स के वो भी मौजूद हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ये लार्वा जो हैं, देख लें यहाँ पे इसका नुकसान पहुँचा है। ये छोटे छोटे लार्वा होते हैं, इनके बीच में होते हैं जो ये बटरफ्लाइज होते हैं। ये जब बैठते हैं ना तो ये अंडे देते हैं इस पर, तो इन अंडों से जो है लार्वा। ये देख लें यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया, ये देख लें भाई, ओए होए, दिस इज द एनिमी ऑफ दिस फ्लावर। शायद ये नरम हैं जो इसको ये खाते हैं, बस पौधों में नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें यहाँ इसमें लगा हुआ है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करें और इसकी वजह बता दें। और इसके अलावा इसका इसके लिए जो दवाई है वो भी तजवीज़ कर लें कि ये किस तरह जो है आप ख़त्म कर सकते हैं और वजह क्या है ये भी बता दें। तो ये एक नहीं होंगे, देखिए हम चाहे देख लें दरमियान में। जी भाई, इसके अलावा यहाँ पे फिर भी जो है मज़ीद इसमें होंगे। बहुत ज़्यादा पौधों को इन्होंने नुकसान पहुँचाया हुआ है यहाँ पे। बस अंडे होंगे उनसे लार्वा, ये लार्वा निकलेंगे और उसे मज़ीद जो है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये देख लें, इसके ऊपर भी एक लगा हुआ है, ये देख लें, ये देख लें, इधर देख लें, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं इसको भी जो है काट देता हूँ यहाँ से, इसको भी यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। जितने भी दिखाई देंगे उनको जो है मैं ख़त्म करने की तो कोशिश, ख़त्म तो नहीं कर सकता अलबत्त, इनको एक एक करके मैं यहाँ से काट देता हूँ ताकि मज़ीद इसको जो है नुकसान न पहुँचा सके। ठीक है जी, तो अगर आप चेक कर लें ये डार्क फ्लावर्स जो हैं इन्हें बहुत कम उन्होंने टच किया हुआ है, ज़्यादातर इन्होंने जो है पिटोनिया के जो पत्ते हैं, जो फ्लावर्स हैं, पीटल हैं, इनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो इसका इसकी जो रीज़न है वो यकीनन सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ही आपको बता सकता है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी करूँगा, देख लें यहाँ पे मैं भी शायद इसके फ़ायदे तो कुदरत ही जानता है, इसके इनसे इनको क्या न्यूट्रिशन जो है वो मिलती है। और इनकी नशोनुमा भी इन्हीं फूलों पे होती है। तो ये अंडों से निकल के ये लार्वा के स्टेज तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद ये फिर जो है बटरफ्लाई बन के उड़ जाएंगे यहाँ से।
इसके अलावा जी मैं आपको यहाँ ये एक कस्क्यूटा देते हैं, आकाश 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 बेल जो है यहाँ पे, ये भी तो है कि ये पैरासाइट है जो होस्ट के अंदर रहते हुए इसको नुकसान पहुँचाता है और अपनी जो है ये क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। ये भी जो है पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये देख लें, ये अभी यहाँ पे सर्वाइवल उसमें है, स्टेज पे है। देखें इसके कोई जो है नहीं होती, ये पौधे में ही जन्म लेता है और यहाँ से ही अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू कर देता है। ये भी पौधों के लिए जो है नुकसानदेह है। कस्क्यूटा जिसे कहते हैं, आकाश आकाश बेल उर्दू में इसको कहते हैं, देख लें। यही वो चीज़ है जो पौधों को नुकसान। अच्छा जी, तो ये देखें, ये कस्क्यूटा इसको कहते हैं, आकाश बेल। और सिकंदर साहब, इसके बारे में भी आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये इसकी बीज भी नहीं है, उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है? ये कोई पैरासाइट या कोई इस तरह का जो है कुछ है कि ये यहाँ से ग्रोथ करके जो है पौधे को नुकसान पहुँचाता है? देख लें इसमें मज़ीद, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें इसकी जड़ नहीं है। ये देखें मज़ीद, एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये जो है कॉयल की तरह जो है लग के आगे जो है वो ये जाता है, ठीक है। जिसके अलावा बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा है, ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, छोटे छोटे पौधे हैं जो हैं, ये देख लें और ये भी देख लें, ठीक है, ये भी देख लें और ये देख लें। इसके अलावा जी इन्होंने भी कुंपल जो है वो निकलने वाले हैं, और ये देखें माशाल्लाह कुदरत की कारीगरी देखें भाई, ये देखिए। और ये चेरी है अब जी, तो ये छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे। ये देख लें, ये देख लें माशाल्लाह। और इसकी भी अपनी खूबसूरती है, देख लीजिए। तो टूरिस्ट के लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है, ये देख लें, ये बहुत खूबसूरत फूल है। लेकिन अभी ये खिले नहीं है, कुंपल निकल चुके हैं हमें जी, ये देख लें, ये देख लें। तो मैं आपको ये पूरा एरिया जो है एक ग्लांस में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, और काफ़ी जो है मेहनत वो यहाँ पे दरकार है। विदाउट हार्ड वर्क इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज दिस काइंड ऑफ फार्म। इनकी अपनी खूबसूरती है, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे खूबसूरत है, ठीक है, हर चीज़ अपनी है। मैं आपको एक और बेल दिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं सहराई फूल, जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देख लें, ये देख लें भाई, अभी देख लें, ये भी खिलने के लिए तैयार है। अगरचे इसमें बहुत सारे जो हैं वो कांटे हैं, लेकिन ये किस तरह कॉयल हुआ है आप देख लें, यहाँ से ये आगे जाके फिर यहाँ से नीचे आया हुआ है, आप देख लें ये, ठीक है, ये देख लें। अच्छा जी, ये डिफरेंट कलर्स ऑफ जीरेनियम, ये सीजन ही है जीरेनियम, ये इनको भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया। देखिए यहाँ पे भी हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी होंगे शायद, ये लार्वा इसमें होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये, आप भी जो नफीस तबीयत के लोग हैं
जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं वो इसको शायद इन फूलों को पसंद करेंगे। और देख लें यहाँ पे वो करो, माशाल्लाह क्या नज़ारा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे याद दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।